अभी आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि मॉयल जो एक माइनिंग कंपनी है मैग्नीज ओर की, उसने पिछले 6-7 महीने के टाइम पीरियड के अंदर मोर देन 100% की रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। अब ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट के अगर मैं आपको समझाऊं कि कंपनियों की ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, उसमें जो चीजें समझ में आती हैं उससे आपकी वैलिडेशन कंपनी को लेके ज्यादा बढ़ती है, आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है कंपनी को लेके बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करना शुरू कर देंगे, चीजों को पढ़ना सीखेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपको ये तो पता है कि 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, बट उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको रीजन रैशनल ढूंढना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके सामने मैं सिर्फ मॉयल कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बात करूंगा जो कि उन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस करी है एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, जहां पे इन्वेस्टर कम्युनिटी के दिग्गज लोग बैठते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो पे अपना ध्यान देना ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी का ओवरऑल आउटलुक क्या चल रहा है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी के करंट प्रोडक्शन सेल्स के अंदर क्या नंबर्स थ्रो करे हैं कंपनी ने, और कंपनी की विजन क्या है फ्यूचर को लेके। सबसे पहले तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो रिजर्व्स हैं आपके माइनिंग के अंदर मैग्नीज के, वो है अराउंड 500 मिलियन टन्स के। उसमें से 20% का जो हिस्सा है वो सिर्फ सिर्फ एक इकलौती कंपनी है हमारी मॉयल, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है इसका ऑर्डर कि आप पूरे के पूरे इंडिया के मैप में इस सेक्टर पे 20% का शेयर उठा सकते हैं पूरे माइनिंग रिजर्व्स के अंदर। ये तो बात होगी सबसे नंबर वन कि कितना बड़ा कंपनी का स्केल हो सकता है फ्यूचर के अंदर अगर ये कंपनी एग्रेसिवली अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए। दूसरी बात कंपनी की बात करें कि इस 20% के शेयर में कंपनी ने यह बोला है कि उनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर के अंदर मैग्नीज ओर को जो मार्केट शेयर है वो है अराउंड 45%। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया के मैप में अभी जितना हमारा रिजर्व्स है मैग्नीज ओर का वो अभी अनटैप्ड है, और इस चीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि कंपनीज को बोला है कि आप अपने आप को थोड़ा एग्रेसिवली अब काम करें, जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं उनके साथ जुड़ के आप पार्टनरशिप मॉडल में लेके जाएं, वो एक कोलैबोरेशन हो सकता है, वो आपका एक जॉइंट वेंचर हो सकता है। इसी सेक्शन पे हमारी मॉयल कंपनी ने हाल ही में कुछ स्टेट्स के साथ एग्रेसिवली इस बात पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा कि मॉयल जिसके पास एक्सपर्टीज है इस सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन को लेके, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको ये रिजर्व्स दिखाई देते हैं, तो मॉयल एक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर जहां पे कंपनी अपनी परसेंटेज 51% रख के आप स्टेट्स के साथ मिलके एक्सप्लोरेशन करेंगे, और इससे कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर जो है वो बढ़ सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। ये मुझे लगता है कि ऐसी एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से कंपनी का अब रंग रूप जो है पिछले 6 महीने में चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, और इसी चीज पे कंपनी की मैनेजमेंट बहुत क्लियरली बता रही है कि किन किन स्टेट्स के साथ उनका इस चीज के ऊपर काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्टेट के साथ एक्सप्लोरेशन का काम शुरू भी हो सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरी चीज होगी कि कंपनी ने बोला है कि उनके एबिटडा मार्जिन किस लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो कंपनी ने बोला है कि ये एक ऐसा काम है जहां पे आपका 24% से लेके 35% का एबिटडा मार्जिन बनता है, और अभी रॉक बॉटम प्राइजेस चल रहे हैं मैग्नीज ओर के, जिसकी वजह से 18 से 20% का जो प्राइस रिडक्शन हुआ हुआ है हमारे मैग्नीज ओर का वो कंपनी की बॉटम लाइन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इससे ये पता चल गया कि अगर कंपनी ने अपनी 45% की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है और उसका सेम नंबर का इफेक्ट बॉटम लाइन पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको इतना आइडिया मिल गया कि अभी मैग्नीज ओर के प्राइजेस जो हैं वो काफी कम है, और कंपनी ने ये बोला है कि 18 महीने के बॉटम पे ये प्राइजेस चल रहे हैं। तो आपको ये भी एक टर्निंग पॉइंट मिल गया कि इसके बाद रेट बढ़ने की गुंजाइश जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है।
ये भी एक बहुत बढ़िया बात कर दी कंपनी की मैनेजमेंट ने कि फ्यूचर में जब प्रोडक्शन जो हमारी बढ़ चुकी है कंपनी की, वहां पे जो रेट लगेंगे और वहां पे आपका कंपनी का भी फायदा होगा, क्योंकि प्राइजेस के अंदर और करेक्शन नहीं हो सकती। कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बोल दिया है, रॉक बॉटम प्राइजेस पे ये चल रहा है इस टाइम। आपको ये भी पता चल गया कि फ्यूचर के अंदर प्राइस करेक्शन नहीं होगी, प्राइस रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क आएगा। इतना समझने के बाद आपको ये पता है कि कंपनी की मैनेजमेंट जिस हिसाब से आपने रिजल्ट्स पे इम्प्रोवाइजेशन पे लगी हुई है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपका आ रहा है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मिनरल्स इन लैंड। इस पे कंपनी ने ये बोला हुआ है कि इस साल का जो उनका टारगेट है वो पिछले साल के टारगेट से बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से ट्वाइस थ्राइस पे कंपनी इस सेक्टर पे काम कर रही है एक्सप्लोरेशन को लेके, जहां पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो वो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड होती है चीज। इतनी सी चीजें समझने के बाद आपका ये मोटिव होना चाहिए कि शेयर प्राइस जो बड़ा है उसके रीजन रैशनल पे आप डॉट्स बनाएं। डॉट्स पे कनेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि पिछले 6 महीने में अनलिमिटेड कंपनीज के शेयर प्राइजेस के अंदर बहुत ज्यादा आपने राइज देखा है, लेकिन सस्टेनेबल लेवल पे वही कंपनीज आगे जाके भी परफॉर्म करेंगी जिनके पीछे फंडामेंटल्स भी जुड़े हुए हैं। इसी चीज पे कंपनी की मैनेजमेंट ने एक ऐसी ओपनिंग स्टेटमेंट भी दी जहां पे मेरा कंपनी को लेके जो दिल है वो और जुड़ गया। इस पे आप नोटिस करें कि कंपनी ने क्या बोला है। उन्होंने टाउन हॉल के अंदर अपने एम्प्लॉयज को ये बोला है कि कंपनी की लेटेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस पे आप तवज्जो ना दें, आपको कंपनी के पोटेंशियल पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट आप चेक करें तो बहुत बड़ा है, उस पे आप फोकस करें, ना कि आप ये बोलें कि हम तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स एक स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर सुनाई देती हैं। माइनिंग कंपनी में ये पहली बार होना शुरू हो चुका है कि कंपनी की टॉप टीयर मैनेजमेंट भी अब एग्रेसिवली एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के लिए बात कर रही है, एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए बात कर रही है। इन चीजों पे आप ध्यान दें और फ्यूचर देखिए गवर्नमेंट पीएसयूज का। ये एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में अब आ चुकी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस टाइम ध्यान है, उस बिडिंग के अंदर ये गवर्नमेंट पीएसयूज भी बिड करेंगी, और इनका अगर बिडिंग के अंदर सक्सेसफुली इनको भी कुछ लैंड अलॉटमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि फ्यूचर और ब्राइट शुरू होने वाला है इन कंपनीज का। आप भी इन चीजों पे ध्यान दें, मैं भी लगा हुआ हूं। थैंक यू।